हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ अनुश्री सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। टुडे वी विल डिस्कस अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग पीसीए, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इन माय अर्लियर वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पीसीए, व्हाट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर, थ्योरी बिहाइंड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। सो आई विल गिव यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो यू कैन सी दैट वीडियो बाय दैट लिंक। लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ी बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम जनरेशन के दौरान, मॉडल जनरेशन के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान हम क्या करते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा मॉडल जनरेट होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज मॉडल जनरेट होता है और प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जितने भी लीस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उन सबको ड्रॉप आउट कर देते हैं और एक डेटा सेट तैयार करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को लेके। यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें हमारे दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल वन और वेरिएबल टू। हमारा जो मॉडल जनरेट हुआ है वो है एक लाइन, लेकिन इसके आसपास बहुत सारे प्लॉट्स हैं। तो हमें ऐसे व्यू से इसको देखना है, ऐसे डायमेंशन से इसको देखना है कि हमें सारे प्लॉट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर या एक ही प्लेन पर मिल जाए। तो वो हम कैसे देखेंगे, पी सी वन और पी सी टू से। पी सी वन का जो डायरेक्शन है, अगर उस डायरेक्शन में मैं एक लाइन बनाऊँ और इन सब प्लॉट्स को उन पर पॉइंट आउट करूं, उन पर प्लॉट करूं या एक प्लेन पर इनको प्लॉट करूं, तो वहां पे मेरे सारे जितने भी प्लॉट्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे प्लॉट हो जाएंगे। ऐसे ही पी सी टू में करूंगी, मैं एक इमेजिनरी लाइन बनाऊंगी, उन सारे प्लॉट्स को उस पर प्रोजेक्ट कर दूंगी या फिर किसी प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दूंगी। सो ये जो पी सी वन और पी सी टू है, ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। यहाँ पर हमने क्या किया, जितने भी लीस्ट इंपॉर्टेंट थे उन सबको ड्रॉप आउट कर दिया और यहाँ पर जो चीज़ ली है हमने कि भाई इस व्यू से देखेंगे तो हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, इस व्यू से देखेंगे हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अब इनके बारे में आप दो बातें जान लीजिए कि पी सी वन और पी सी टू जो होते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है कि पी सी वन और पी सी टू एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो एक दूसरे से टोटली इनडिपेंडेंट होंगे और ये इतने ही होंगे, मतलब नंबर ऑफ पी सीज आर लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो पी सीज कितने होंगे हमारे, या तो दो हो सकते हैं या फिर दो से कम हो सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम है एक्स एंड वाई। इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, बहुत ही सिंपल एट्रीब्यूट हैं एक्स और वाई। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है फाइंड द मीन। हमें क्या करना होता है, मीन फाइंड आउट करनी होती है। अब मीन फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है, इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको आप ऐड कर लीजिए एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ 10। तो हमारे पास मीन ऑफ एक्स कितना हो गया 1.81 और मीन ऑफ वाई कितना आ गया 1.91, दैट इज़ एक्स बार इज इक्वल्स टू 1.81, वाई बार इज इक्वल्स टू 1.91। हमारी सेकेंड स्टेप क्या है, सब्स्ट्रैक्ट द मीन टू मेक द एडजस्टेड डेटा। आप क्या करेंगे, एडजस्टेड डेटा बनाएंगे। यहाँ पे जो दो कॉलम ऐड किए हैं मैंने वो क्या है, एडजस्टेड डेटा के कॉलम है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि एक्स के हर एक एट्रीब्यूट में से मीन को माइनस कर रही हूँ, सेम वाई के हर एक एट्रीब्यूट में से मीन को माइनस कर रही हूँ। जैसे एक्स का पहला एट्रीब्यूट क्या था 2.5, उसकी मीन क्या थी 1.81, एक्स की मीन क्या थी 1.81, तो 2.5 माइनस 1.81 किया मैंने तो मेरा आंसर कितना है 0.69। ऐसे ही मैं क्या करूँगी, 0.5 माइनस 1.81 करूँगी तो आंसर कितना आएगा माइनस का 1.31। इसी प्रोसीजर को मैं फॉलो करूँगी वाई माइनस वाई बार में, और मैं क्या निकालूंगी कि हर एक, जैसे 2.4 में से 1.91 माइनस कर दिया, 0.7 में से 1.91 माइनस कर दिया, 2.9 में से 1.91 माइनस कर दिया, तो जो भी डेटा आएगा मैंने इस टेबल के अंदर फीड कर दिया। तो स्टेप सेकंड कंप्लीट हो गया है। स्टेप वन में हमने क्या किया, मीन फाइंड आउट किया। स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, एडजस्टेड डेटा फाइंड आउट किया, हर एक एट्रीब्यूट के अंदर से मीन को सब्सट्रैक्ट करके एक कॉलम बना लिया। स्टेप थर्ड क्या होती है, कैलकुलेट द कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब कोवेरियंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको पता होना चाहिए कोवेरियंस का फॉर्मूला और दूसरा आपको पता होनी चाहिए कोवेरियंस की मैट्रिक्स। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, हमें क्या करना है, समेशन ऑफ आई अप टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई आई माइनस वाई बार, समेशन आई फ्रॉम अप टू द 10th ऑब्जर्वेशन, इन सबको ऐड कर लेना है एंड देन इसको डिवाइड कर देता है ना है 9 से। क्यों 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे हमारे पास 10 थे, तो n माइनस 1 कितना हो गया हमारा 9 हो गया।
अब कोवेरियंस मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनेगी वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा वेरिएबल के ऊपर। अगर टू वेरिएबल्स हैं तो कोवेरियंस मैट्रिक्स बनेगी 2x2 की, अगर थ्री वेरिएबल्स हैं तो कोवेरियंस मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की। यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल्स थे इसलिए हमारी कोवेरियंस मैट्रिक्स बनी 2x2 की। अब कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या बनी हमारी, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स एंड कोवेरियंस ऑफ वाई वाई। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालने का तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स, कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स और कोवेरियंस ऑफ वाई वाई। ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है और वाई आई माइनस वाई बार है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके भी आप एक और कॉलम बना सकते हैं। सो आपके लिए ईजी हो जाएगा कोवेरियंस निकालना, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑब्जर्वेशन का एक्स आई माइनस एक्स बार लेना है, मतलब एक्स वन माइनस एक्स बार, वाई वन माइनस वाई बार, ऐसे एक्स टू माइनस एक्स बार, वाई टू माइनस वाई बार, इनको मल्टीप्लाई करना है और इन सबको ऐड कर देना है, एंड देन फाइनली मुझे क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकल के आ गई हमारी 0.6154। पहले मुझे क्या करना है, इनका सम ले लेना है, सॉरी इनका मल्टीप्लिकेशन ले लेना है, एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार का आप चाहें तो एक कॉलम बना लीजिए, उसका सम ले लीजिए, फाइनल कितना टोटल कर लीजिए और उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बराबर होता है कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स के। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स क्या होता है, समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 1 to 10 एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। आप चाहें तो स्टेप सेकंड में जहां पर मैंने एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम बनाया था और वाई आई माइनस वाई बार का कॉलम बनाया था, वहीं पे आप दो कॉलम और बनाइए, तीन कॉलम और बनाइए, एक तो एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई आई माइनस वाई बार का, एक कॉलम आप बनाइए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और एक कॉलम आप बनाइए वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, और जब आप इन सब का सम कर लेंगे, इन तीनों का सम करके उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आ जाएगी, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स आ जाएगी और कोवेरियंस ऑफ वाई वाई आ जाएगी। तो हमारी जो मैट्रिक्स आई वो क्या आई, 0.616, 0.6154, 0.6154 और 0.7165। अब हमारी स्टेप फोर क्या है, फाइंड आउट आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, सी माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे सी हमारी क्या है, कोवेरियंस मैट्रिक्स जो कि हमारी स्टेप थ्री में निकल कर आई है, 0.616, 0.6154, 0.6154, 0.7165। इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे लैम्डा आई से, आई यहाँ पर क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और लैम्डा क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट। सो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 0.6165 माइनस लैम्डा 0.6154, 0.6154, 0.7165 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स आई है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा तब हम क्या करेंगे, टू रूट्स निकालेंगे, तो वो जो टू रूट्स निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे लैम्डा वन और लैम्डा टू, और ये क्या हो जाएंगे हमारी आइगन वैल्यूज़। तो स्टेप फोर को हमने आधा सॉल्व कर लिया, कैसे किया, सी माइनस लैम्डा है एक इक्वेशन ली, उसमें सी की वैल्यू पुट की, लैम्डा की वैल्यू पुट की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखी। इससे हमने क्या किया, एक सिंपल सा सोल्यूशन करके कि सी में से माइनस कर दिया लैम्डा को, इसके सोल्यूशन करके एक मैट्रिक्स बनाई। अब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, जब भी हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2x2 मैट्रिक्स का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास टू वैल्यूज़ आई, लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, ये क्या हो गई मेरी आइगन वैल्यूज़। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आइगन वेक्टर। वो कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर टू की मैट्रिक्स है, वो क्या है, 0.6165 माइनस का लैम्डा, 0.6154, 0.6154, 0.7165 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू ज़ीरो। मुझे क्या करना है, दो वेक्टर निकलेंगे, क्यों, वही वेक्टर्स जो होंगे मेरे पीसी होंगे, और यहाँ पे दो वेरिएबल थे इसलिए दो ही पीसी निकलेंगे और इसलिए दो ही आइगन वेक्टर निकलेंगे मेरे। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले लैम्डा वन की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में रखनी है, 0.6165 माइनस 0.4908, 0.6154, 0.6154, 0.7165 माइनस 0.4908 इक्वल्स टू ज़ीरो। यही मैंने यहाँ पे किया है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा वन इन द मैट्रिक्स टू। हमने मैट्रिक्स टू में रख दी, मल्टीप्लाई बाय एक्स वन वाई वन कर दिया हमने, इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्स वन और वाई वन की वैल्यू निकालनी है। जब भी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी, मैट्रिक्स को सॉल्व करूँगी दोनों को, तो मुझे दो इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे वेरिएबल भी दो है मेरे पास, एक्स वन और वाई वन, तो ईजिली मेरी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएगी क्योंकि दो इक्वेशन और दो वेरिएबल हैं।
तो एक्स वन और वाई वन की वैल्यू आ गई मेरी, ये जो एक्स वन और वाई वन की वैल्यू आई है ये क्या कहलाएगी, मेरी आइगन वैक्टर वन और पी सी वन। तो एक आइगन वैक्टर तो निकल गया, अब दूसरा आइगन वैक्टर निकालने के लिए क्या करूँ, उसी जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसमें लैमडा की जगह मैं क्या कर दूँ, लैमडा टू की वैल्यू रख दूँ, दैट इज़ 1.2840। जब मैं इसकी वैल्यू रखूँगी अगेन मैं एक्स वन वाई वन से मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू जीरो कर देती हूँ। एंड जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो दो इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन के साथ दो ही वेरिएबल आएंगे एक्स वन और वाई वन, तो ईजिली ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और जो वैल्यू आएगी मेरी एक्स वन और वाई वन की वो क्या कहलाएगी, आइगन वैक्टर टू। तो आइगन वैक्टर्स आ गए हैं मेरे पास दो, क्या क्या आए हैं, -0.735, 0.677, 0.678, -0.73। तो आइगन वैक्टर वन और आइगन वैक्टर टू ये क्या होते हैं, मेरे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं। सो दो ही वेरिएबल थे तो दो ही प्रिंसिपल कंपोनेंट निकल कर आए हैं मेरे पास, पहला आइगन वैक्टर पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है, दूसरा आइगन वैक्टर दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है। थैंक यू।